इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी सी बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के ऊपर। और ये छोटी सी एक वीडियो मैंने सोचा के लगाऊं। और सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने वैक्सीन तैयार कर ली है और उस वैक्सीन को इंडिया ने ना सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि बहुत सी दूसरी कंट्रीज जो जिनके साथ उनके अच्छे टर्म्स हैं उनको भी दे रहे हैं और पाकिस्तान को नहीं दे रहे। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान को ना दें आप, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा दोस्त चाइना है, अब जिसने वायरस छोड़ा है हमें दवा भी वही देगा। तो यानी जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा, इस तरह का कोई शेर था ना किसी का। तो हमें चाइना से मिल रही है, पता नहीं वो चाइना चाइनीज प्रोडक्ट जैसी ही ना हो कि पता चले उसका कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन खैर वो हम देख लेंगे, जाहिर है आपको बड़ी जल्दी न्यूज में पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मगर इंडिया ने जो वैक्सीन तैयार की है अपने लोगों को लगा रहे हैं। आई विश कि आप सब लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी ये वैक्सीन तैयार हुई है और वहां के लोगों को लगाई जा रही है, मेरी उन सब के लिए बहुत दुआ है कि वो सब लोग जो है उस वैक्सीन को ले सकें और वो वैक्सीन उनके लिए अच्छी साबित हो, यानी उस वैक्सीन का कोई रिएक्शन ना हो, कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। और आई विश कि सब लोग फिर इस कोरोना वायरस से जो है वो बच सकें और वो वैक्सीन उनके काम आए, वो सेहतमंद रहें, सब लोग जिंदा रहें, सेहतमंद रहें और एक अच्छी लाइफ गुजारे। क्योंकि जाहिर है इंडिया में भी हम यही चाहेंगे कि हर इंडियन, जितने भी इंडियंस हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमें नहीं देख रहे, जो हमसे खुश हैं, जो हमसे नाराज हैं, वो सबके सब जो हैं वो हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और सक्सेसफुल रहें। जैसे मैं हमेशा ट्विटर पे लिखती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि क्योंकि जी इस तरह की जो टेंशन्स हैं और इस तरह के जो लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं दोनों कंट्रीज में, वो तो चलते ही रहे हैं और चलते ही रहेंगे आगे भी। तो मगर ये है कि बहुत आप लोगों के लिए बहुत मुबारक हो कि मोदी जी ने जो है वो इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने इस तरह से वैक्सीन निकाली है और ना सिर्फ निकाली है बल्कि इतना बड़ा दिल करके जो है वो बाकी कंट्रीज को भी दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको जरूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, चाहे हम पाकिस्तान से बैठ के करें, चाहे किसी कंट्री से बैठ के करें। अगर किसी जगह कुछ अच्छा काम हुआ है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आई विश के तमाम हमारे जो भारतीय दोस्त हैं, हमारे जितने भारतीय साथी हैं या जितने भारतीय दुश्मन हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमें दुश्मन भी कहते हैं, तो उन सब के लिए बहुत 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 सारी दुआएं कि ये वैक्सीन आप सब तक पहुंच सके और ये वैक्सीन आप सबको इस वायरस से बचा सके और आप सब लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में और अपने ऑफिसेज में और अपने स्कूल कॉलेजेस जहां भी आप हैं वहां पर आप सेहतमंद रहें। लेकिन फिर भी ये वैक्सीन मिल जाने के बाद भी आपने जो है ना वो झप्पियां छप्पियां नहीं डालनी है, क्योंकि मोदी जी को बड़ी आदत है ना, वो जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट की झप्पियां डाल देते हैं, तो वो आपने नहीं करना है। अब देखिए ना, हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो साइड में खड़े रहते हैं, मतलब वो कहते हैं ठीक है इधर से गुजरेंगे तो मिल लेंगे, तो झप्पियां छप्पियां ना डालें। और साथ ही जो है वो मास्क मस्ट आप लोग लगाते रहें उसके वैक्सीन के बाद भी। और प्लीज रिपोर्ट्स जो है किसी भी किस्म की रिपोर्ट अगर आती है तो वो ट्विटर पे शेयर करते रहिएगा ताकि हमें भी पता चले कि ये वैक्सीन कितनी स्ट्रांग है और ये वैक्सीन किस हद तक आप लोगों को जो है वो इस वायरस से बचा पा रही है, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें उस वैक्सीन से जो पाकिस्तान अब लेगा चाइना से या किसी भी दूसरे देश से, ताकि हमें पता चले कि इंडिया वाली वैक्सीन ज्यादा स्ट्रांग है या कि जो हम ले रहे हैं वो स्ट्रांग है या दोनों एक जैसी है या क्या बात है। क्योंकि जाहिर है इसमें तो कोई इनकार करने की बात नहीं है कि पाकिस्तान पहले भी मेडिकल हेल्प लेता रहा है भारत से, हमारे यहाँ से बहुत सारे इनफैक्ट बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है उनका हार्ट की सर्जरीज होती रही, हार्ट सर्जरीज के लिए जाते रहे हैं और दूसरी मुख्तलिफ चीजें हैं जिसके ऊपर स्पेशली
बच्चे जो है वो वहां पर भारत में जाते रहे हैं। वैसे तो बड़े भी मेडिकल हेल्प के लिए बहुत बार गए हैं, मगर खास तौर पे बच्चों के लिए। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि उस टाइम पर जब किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है तो भारत और इंडिया दोनों जो है वो इस चीज को सामने नहीं रखते कि हमारे जो टर्म्स हैं वो किस हद तक खराब हैं। एक चीज जरूर मैंने अभी रिसेंटली महसूस की, मुझे पता चला क्योंकि आप लोगों को पता है ना मैं बिंदी शिंदी लगानी शुरू की है थोड़ा सा, और इस्लामाबाद जो है ना, इस्लामाबाद आप समझे कि इस्लामाबाद में कुछ नहीं मिलता, आपको कोई खास चीज मिलती है, अगर अगर हो भी तो शायद कराची में हो, लाहौर में हो, लेकिन इस्लामाबाद में अगर आप शॉपिंग करने निकले तो आपको इतना कुछ खास नहीं मिलता। तो मेरे बहुत से इंडियन दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि हम आपको बिंदी भेज देंगे, किसी ने कहा हम आपको ये भेज देंगे, वो भेज देंगे कुछ खाने पीने की, क्योंकि मैं चटोरी बहुत हूँ, मेरी मदर मुझे कहती थी चटोरी बताहर खाने पीने की चीज पे गिरती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ खाने पीने का भी कुछ उन्होंने कहा था कि भेज देंगे, MDH के मसाले और पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर हमें पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान में तो जी इस तरह की सर्विसेज ही बंद हैं, और हम लोग जो हैं वो ना तो बाय पोस्ट और ना बाय कॉरियर हम कोई चीज एक दूसरे के नहीं भेज सकते, जो कि मुझे पहले नहीं पता था, मेरा ख्याल था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब पता चला कि इस हद तक जा चुके हैं कि अब हम एक दूसरे को कोई गिफ्ट भी नहीं भेज सकते, हम एक दूसरे को किसी किस्म का लेटर, लव लेटर की बात नहीं कर रही, लेटर और कार्ड्स या कोई छोटी मोटी चीज, जैसे यहाँ से कोई गिफ्ट भेजना चाहे या वहां से कोई साड़ी या बिंदी या मसाले या कॉस्मेटिक्स या ये या वो या झुमके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो उससे मुझे जो है वो बड़ा अफसोस हुआ है, और मेरा यही मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज जो है या जान पहचान वाले अभी भी भारत में रहते हैं, और पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनकी फैमिलीज भारत में है, और भारत में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनकी फैमिलीज जो हैं वो अभी भी पाकिस्तान में है। तो इस तरह से अगर आप ये वाली बंदिश लगा देंगे तो वो तो बहुत ही मुश्किल होगा कि कैसे लोग एक दूसरे से मिलें, कैसे लोग एक दूसरे, चलो मिल नहीं रहे लेकिन एक दूसरे से रابطہ तो रहता है ना, छोटी छोटी गिफ्ट्स, छोटी छोटी चीजें या लेटर्स जो है वो अभी भी हमारी जो मतलब कहना चाहिए हमारे सीनियर्स हैं, चाहे हमारी मेरी मदर थी जैसे, या और दूसरी मेरी आंटी हैं या मेरी चच्ची हैं, मेरी ताई हैं, वो अभी भी लेटर्स के जमाने में ही रहती हैं। ऑफकोर्स वो लोग तो हमारी तरह ईमेल यूज नहीं करते, तो उनके लिए एक ये भी एक बात थी कि वो उन्होंने लेटर लिखा है इंडिया में अपने किसी रिलेटिव को और वहां से कोई लेटर आया है, तो वो पढ़ के भी वो बड़े खुश हो जाती थी, लेकिन अब ये सर्विसेज भी जो है वो रोक दी गई है, बंद कर दी गई है। तो मेरी दोनों गवर्नमेंट से, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो इंडिया की हो, दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये पोस्टल सर्विसेज को आप बंद ना करें, पोस्टल सर्विसेज को आप दोबारा से ओपन करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मेरे जैसे लोग बहुत हैं जो अच्छाई की बात करते। तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी एंकर आरजू काजमी आज पहली बार शायद यूट्यूब में साड़ी पहनकर सामने आई हैं और बहुत अच्छे से बात करती हैं। इस समय आपको पता है रिपब्लिक न्यूज़ में आकर ये काफ़ी फेमस हुई हैं और ये डिस्कस कर रही हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। कोरोना वैक्सीन आपको पता है भारत में कोरोना वैक्सीन जब से डेवलप हुई है, भारत इन देशों में कोरोना वैक्सीन अभी तक सप्लाई कर चुका है। आपको बता दूँ उनके नाम, पहला है भूटान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है मालदीव, चौथा है म्यांमार, मॉरिशस, सेशल्स, बांग्लादेश, ये 7 देश हैं जिनमें अभी तक भारत कोरोना वैक्सीन डिलीवर कर चुका है। और नेक्स्ट जो अब मतलब जो डिलीवरी होने वाली है वो है श्रीलंका, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, और भी देश अभी लाइन में हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत, भारतीयों के लिए ये एक प्राउड मूवमेंट है कि भारत मानवता के लिए दूसरे देशों में अब कोरोना वैक्सीन भेज रहा है, और अभी जो शुरुआत के 7 देश हों उनसे भारत ने कोई भी पैसा नहीं लिया है, ये सारे भारत के पड़ोसी या तटीय पड़ोसी देश हैं। तो आपको बता दें केवल एक ही देश छूट रहा है और उसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ भारत के रिलेशनशिप कैसे हैं, अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर मोदी जी से ट्विटर
ट्विटर पर भी अगर रिक्वेस्ट कर दे या कोई लेटर भेज दे या फ़ोन कर दे तो ये शायद वैक्सीन भारत सरकार का इतना बड़ा दिल है कि वो डेफिनेटली पाकिस्तान में कुछ डोजेस तो फ्री में दे देंगे, उसके बाद शायद पाकिस्तान खरीद के भी डोजेस खरीद सकता है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में बैठा है घमंडी प्राइम मिनिस्टर जिसका एटीट्यूड उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड कप जीता ना भाई, वो हैंडसम है तो वो क्यों मोदी से मदद मांगेगा, आपको ये भी पता है। तो दोस्तों पाकिस्तान फिलहाल तो अभी भारत से बहुत सारी वैक्सीन लेता है, अभी लेता है वैक्सीन, मेडिसिन लेता है। ये बता दूं वॉर के समय में भी भारत ने पाकिस्तान को मेडिसिन सप्लाई नहीं रोकी, मतलब दवाइयाँ जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी सप्लाई नहीं रोकी है। तो कोरोना वैक्सीन अगर भारत से डिमांड करता है पाकिस्तान तो डेफिनेटली पाकिस्तान को दी जाएगी, और शायद इसके लिए इमरान खान को अपना एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, एक मिलनसार व्यक्ति की तरह भारत से कोरोना वैक्सीन मांगे तो डेफिनेटली भारत देगा, ये मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूँ देगा, ये इतना तो मैं समझ सकता हूँ जो मैंने देखा है। तो आपको क्या लगता है, घमंडी इमरान खान वैक्सीन मांगेगा या नहीं मांगेगा, या घमंडी इमरान खान चाइना की वैक्सीन लगाकर ही खुश रहेगा? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और आपको बता दें कि भारत में वैक्सीन लगभग 6-6.5 लाख लोगों को लगाई गई है, जिनमें से ज़्यादातर क्या 99.99% पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। केवल 2 लोग को डेथ हुई है जिनकी डेथ का कारण वैक्सीन नहीं हो सकती, क्योंकि 6 लाख लोग हैं वो शायद बुज़ुर्ग थे, उनको अटैक आया या जो भी था, उनकी डेथ का कारण कोरोना वैक्सीन नहीं है। क्योंकि 6 लाख में तो भाई इतनी सारी आबादी है तो मरते भी हैं बहुत सारे लोग, तो हो सकता है कुछ ना कुछ हुआ हो। तो अभी तक भारत की वैक्सीन का जो सक्सेस रेशो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, और कोरोना के खिलाफ ये अच्छे रिजल्ट भी शो कर रही है, और अच्छे रिजल्ट आपको पता चल जाएंगे अगर 1-2 महीने बाद जो वैक्सीनाइजेशन कंटिन्यू रहेगा। तो जिनको पहले लगा है अगर वो कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं तो डेफिनेटली ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर भारत इस वैक्सीन को लेकर सक्सेसफुल हो गया तो भारत के लिए ये ज़बरदस्त बात होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं खत्म, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।